प्रभु प्रभु इस कन्या का नाम क्या होगा? इस कन्या का नाम क्या होगा? ब्राह्मण जी कुछ देर तक चुप रहे। उन्होंने कहा, मैया एक नाम होगा तो बताऊं इसका? तो बोले, इसके अनंत नाम होंगे, आवायाभ्यहम देवी योगिनी परमेश्वरी योगाभ्यासेन संतुष्टा परम ध्यानम समन्विता दिव्य कुंडल संकासा दिव्य ज्वाला त्रिलोचना मूर्ति मर्ति च मूर्ता च उग्रा चैवाग्र रूपिणी अनेक भाव संयुक्ता संसाराणावतारिणी यज्ञे कुर्वन्ति निर्विघ्ना श्रेयो यक्ष तुमात्र। इतने नाम होंगे ना इसके कि कोई गिनती नहीं कर सकता। दिव्य योगी, महायोगी, सिद्ध योगी, गणेश्वरी, प्रेत डाकिनी, काली, काल रात्रि, निशाचरी, हुंकारी, हुंकारी, सिद्धि वैताली, खरपरी, भूतकामिनी, ऊर्ध्वकेशी, विरूपाक्षी, शुष्कांगी, मांस भोजनी, दुर्गा, दुर्गति समनी, दुर्ग पद्मी निवारिणी, दुर्गमक्षेदिनी, दुर्गसासि साधिनी, दुर्गनाशिनी, दुर्गतोद्धारिणी, दुर्गनिहंती, दुर्गमापहा, दुर्गम ज्ञानदा, दुर्गम दैत्य दोकुलवानल, दुर्गमा, दुर्गमा लोका, दुर्गम आत्मस्वरूपिणी, दुर्गम मार्गप्रदा, दुर्गम विद्या, दुर्गमास्थिता, दुर्गम ज्ञान संस्थानम, दुर्गम ध्यानभासिनी, दुर्गमोहा, दुर्गमा, दुर्गमार्थस्वरूपिणी, दुर्गमासुरहंत्री, दुर्गमायुधधारिणी, दुर्गमांगी, दुर्गमता, दुर्गम्या, दुर्गमेश्वरी, दुर्गभीमा, दुर्गभामा, दुर्गभा, दुर्गधारिणी, नामावली मिमां यस्तु दुर्गायां मम मानव। इतने नाम होंगे ना। दिव्य योगी कोई कहेगा, कोई सिद्ध योगी कहेगा, कोई महेश्वरी कहेगा, कोई डाकिनी कहेगा, कोई कालरात्रि कहेगा, कोई पिताची कहेगा, हुंकारी, सिद्धि वैताली, खरपरी, भूतगामिनी, ऊर्ध्वकेशी, विरूपाक्षी, शुष्कांगी, मांस भोजनी, अनेक अनेक इसके नाम होंगे। मैया ने कहा कि ब्राह्मण देवता, प्रभु प्रभु इसका मुख्य नाम क्या होगा और इसके गुण और दोष क्या है? तो उन्होंने उसके ललाट को देखा और कहा कि नाम तो अनेक होंगे लेकिन ये दुर्गति का नाश करेगी, ये काल का नाश करेगी, इसलिए इसका मुख्य नाम पड़ेगा दुर्गा। दुर्गति नाशिनी दुर्गा, जय जय दुर्गति नाशिनी दुर्गा, जय जय दुर्गति नाशिनी दुर्गा, जय जय दुर्गति नाशिनी दुर्गा, जय जय।